मैं तुम्हें फिर मिलने की कोशिश करूंगी, मैं वादा करती हूँ। अपने आंसू रोकते हुए लतीफ ने वो गुलाब लिया और पूछा, मुमताज तुम इतनी जल्दी जा रही हो? हाँ लतीफ। लतीफ को पता था कि इस गुलाब के बदले खुशी का सौदा हुआ है। कल गुलाब की पंखुड़ियां सूख जाएंगे, ना गुलाब रहेगा और ना ही मुमताज रहेगी। बीतते हुए समय का हर एक पल मोती के समान था। उसने थोड़ा आगे आकर मुमताज के गाल पर अपने होंठ रखे। मुमताज पीछे हट गई और नजर छुपाकर वहां से जाने लगी। लतीफ उसे अपने अरमानों से जाते हुए देख रहा था और मुमताज भी इस दर्द को सीने में दबाकर लतीफ से दूर जा रही थी। उसे तो ये बात भी चुभ रही थी कि उसने दोबारा मिलने का झूठा वादा किया है। लतीफ अपनी जगह से हिलता तक नहीं। उसके नम आंखों में प्यार का आखिरी अफसाना दिख रहा है। शायद वो इस इंतजार में है कि मुमताज मुड़ेगी और दौड़ते हुए उसके पास दोबारा आएगी। दिन, महीने, साल गुजर जाते हैं। दिल्ली के बदलते मौसम में लतीफ की उम्र बढ़ने लगती है। उस ढलते शाम ने उसकी खुशियां छीन ली थी, पर फिर भी लतीफ को मुमताज के लौटने का इंतजार है। उसका दिल मानने को तैयार नहीं है कि बचपन का प्यार उस टूटते सितारे जैसा होता है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। वो 12 बरस का था और उसकी मुमताज सिर्फ 8-9 साल की थी। अब इतने साल गुजर जाने के बाद उसकी मुमताज कैसी दिखती होगी, वो क्या कर रही होगी? इन खूबसूरत विचारों के साथ लतीफ जी रहा था। इन खूबसूरत ख्यालों के सहारे उसके ना जाने कितने सारे साल बीत गए। लतीफ का प्यार समंदर के बीचों बीच खो चुके उस इंसान की तरह था जिसकी नज़र से साहिल हजारों मील दूर है। किंतु लतीफ को आज भी यकीन है कि वो तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाएगा। अंततः लतीफ जवान हो जाता है और वो मान लेता है कि उसका बचपन का प्यार एक हसीन सपना था। परंतु उस गुलाब का क्या, उसे तो लतीफ ने आज भी संभाल के रखा है। घर के किसी कोने में वो गुलाब आज भी पड़ा है। समय की मार से मर चुके उस गुलाब का क्या कसूर था? लतीफ ने वो गुलाब आज तक इसलिए सवार के रखा है क्योंकि उसे हमेशा याद रहे कि उसका प्यार पागलपन नहीं था। उम्र कच्ची थी पर प्यार पक्का था। लतीफ को ये तक पता नहीं था कि मुंबई जाकर उसकी मुमताज मधुबाला बन चुकी है। यहाँ तक लतीफ के आंखों पर असली प्यार की पट्टी चढ़ी हुई थी, जिसके कारण उसे ये भी पता नहीं चला कि उसकी मुमताज जो आज मधुबाला बन चुकी है किसी और के प्यार में घायल हो चुकी है। कितनी आसानी से उसकी मुमताज ने लतीफ को भुला दिया ना। शायद मधुबाला के लिए उसके बचपन का प्यार पागलपन ही था। जब मीडिया के कारण लतीफ को उसकी मुमताज की खबर मिली तो भी लतीफ का दिल टूटा नहीं। लतीफ ने ना ही वो गुलाब फेंका और ना ही मधुबाला के लिए आक्रोश दिखाया। आखिरकार लतीफ ने मान लिया कि मधुबाला उसका हसीन सपना ही था। मुंबई जाकर खुद को मधुबाला से मिलकर उसे इस हसीन सपने को तोड़ना भी नहीं था। इसलिए लतीफ ने अपने भविष्य की ओर बढ़ने का फैसला लिया और अपनी मेहनत से IAS जैसे सर्वोच्च पद पर विराजमान होकर देश सेवा करने लगा। लतीफ की शादी हुई, बच्चे हुए और दिल्ली में ही आलिशान और खुशहाल जिंदगी बिताने लगा। परंतु एकाएकी अखबार में उसने खबर पढ़ी और अपने बेटी के सामने लतीफ रोने लगा। पिता को ऐसे रोते देखकर बेटी ने भी वो खबर देखी और पिता के दुख में हमदर्दी जताकर पिता को शांत करने की कोशिश करने लगी। उसने टेप रिकॉर्डर चालू किया और अपने पिता का सबसे पसंदीदा गाना चलाया। उस गाने के बोल कुछ ऐसे थे, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। लतीफ ने अपने आंसू पोंछे और बेटी को कहा, बेटी वो प्यार नहीं था, बस बचपन था। ये कहकर लतीफ अपने कमरे में चले गए। बेटी ने भी जमीन पर गिरा हुआ अखबार टेबल पर रख दिया जिसमें ये लिखा था, हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला कल रात 36वें उम्र में गुजर गई।